वो क्या कर रहे हैं? रोबोट जोन्स। रोबोट जोन्स। पीयू से पीई तक। शुक्रिया हनी। सुनो, आपको और कुछ दूं? नहीं, आज के लिए काफी है। रोबो बेटा, नीचे आकर नाश्ता कर लो। नहीं मॉम यूनिट, स्कूल के लिए देर हो रही है। मेरे पास नई कंपनी की एनर्जी है, ये हवा की शक्ति से बनी है, 100% शुद्ध। अच्छा थोड़ा सा तेल ही ले लो, तेल से जंग लगने का खतरा नहीं होता। मॉम, मुझे जंग नहीं लग रहा है। खैर, मैं ऑटो शॉप से कुछ ले लूँगा। अच्छा, अपने रोज के प्रोग्राम मत भूलना। आज का प्रोग्राम है जूनियर हाई शारीरिक शिक्षा के सभी तरीके जानना। देखो मैंने ये तुम्हारे लिए तैयार किया है, इसका नाम है जॉक स्ट्रैप। अच्छा है। हाँ तो लेडीज एंड जेंटलमैन, चलो अब तैयार हो जाओ। हाथ घुमाओ, वजन उठाओ, कसरत करो, जो कर सकते हो करके दिखाओ। पॉलीनेक पीई में। बेचारे लाचार बेबस इंसान, इन पर तरस आता है। इनके मुकाबले रोबो कितने महान होते हैं। अच्छा ये क्या है? जोन्स, तुम बिल्कुल सही मौके पर आए हो। अपने दुबले पतले हाथ देखो, चलो शुरू हो जाओ। सरा तुम भी रो इसी की तरह पुशअप करके दिखाओ। मुझे तो यकीन नहीं होता, पर गजब की शक्ति है। चलो दूसरी कसरत करते हैं। डेटा लॉग एंट्री। मिडिल स्कूल शारीरिक शिक्षा में अलग अलग तरीके से अलग अलग कसरत करनी पड़ती है। रोबो होने की वजह से मैं ये सारी कसरत बिना किसी मुश्किल के कर सकता हूँ। मैंने सारे इम्तिहान आसानी से पास कर लिए हैं। उम्मीद है रोज के प्रोग्राम में मैं अव्वल दर्जे से पास हो जाऊंगा। बहुत खूब, तुम सब जोन से बहुत कुछ सीख सकते हो। चलो बच्चों, अब जल्दी से नहा कर आओ। नहा कर मुझे बाथरूम का रास्ता दिखाओ, शावर को देखना चाहता हूँ। मेरे साथ आओ, मैं वही जा रहा हूँ। इस लड़की के बदन पर कपड़े क्यों नहीं है? ये इंसान बिना कपड़ों के पर क्यों? एक बात बताइए सर, शारीरिक शिक्षा में बच्चे बिना कपड़ों के क्यों हैं? साफ सुथरा शरीर स्वस्थ शरीर होता है। अब जल्दी से नहा लो। देखो अपना रोबो नहाने से डरकर भाग रहा है। मैं आज जिम से भाग आया। मैं नहीं जानता था कि शावर में पानी की बूंदें होती हैं। पानी से रोबो को जंग लग जाता है। हेलो रोबो बेटा, आज शारीरिक शिक्षा के बारे में तुम्हारा अनुभव कैसा रहा? बहुत ही बुरा मॉम, ये मेरे बस की बात नहीं है। तुम्हारा ये जवाब कोई मायने नहीं रखता, कल एक बार फिर कोशिश करो। पर कल रोबो, कल तारसन हो गया, जैम्बिनी हो गया, जोन्स, रोबोट जोन्स, जोन्स। देखो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें नहाने से एतराज है। जानते हैं? हाँ, बहुत से बच्चे सबके सामने नहाने से कतराते हैं, पर शरीर के स्वास्थ्य के लिए तुम्हें अपनी शर्म को आड़े नहीं आने देना चाहिए। लेकिन बात दरअसल, जितनी जल्दी शर्माना छोड़ दोगे उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। अब अपने कपड़े उतारो और नहाने जाओ। कौन से कपड़े? देखो जोन्स, अब बर्दाश्त के बाहर हो रहा है, जल्दी अपने कपड़े उतारो। देखिए मेरे शरीर का बाहरी कवच 70% स्टील और 30% क्रोम का बना है, और लाल रंग, वैसे लाल रंग मुझ पर जचता है। आजकल के बच्चे भी बड़े अजीब हैं, पता नहीं क्या क्या पहनते हैं। अब जल्दी से अपने कपड़े उतारो। आप कहते हैं तो ठीक है, आप इसे पढ़कर खुद ही निकाल लीजिए। लिंच पिन A को सॉकेट B से खोलो,
अब ये सॉकेट बी कहाँ है और लिंचपिन ए कहाँ है? ठीक है, तुम कवच के साथ ही जाओ और फौरन ना कराओ। सॉरी, समय नहीं है, मुझे दूसरी क्लास के लिए जाना है। तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें भिगोकर ही रहूंगा जोन्स, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, समझे? हाँ? कल मिलेंगे। बस बहुत हुआ, घंटी बजने की वजह से तुम आखिरी बार बच गए। कल कसरत करने से पहले तुम्हें नहाना पड़ेगा, समझ लो अच्छी तरह से। कल कसरत करने से पहले तुम्हें नहाना पड़ेगा, समझ लो अच्छी तरह से। रोबो, स्कूल का वक्त हो गया। नहीं, आओ मिस्टर जोन्स, नहाने का वक्त हो गया है। नहीं। ओ हाँ, अब जल्दी से शावर के नीचे जाओ। सॉरी, गड़बड़ हो गई। We'll be right back.
रुको सर, मैं खुशी से नहाऊंगा। मेरे कवच पर कोई असर नहीं हुआ, जंग नहीं लगा। डेटा लॉग एंट्री, मैंने शारीरिक शिक्षा के सभी अंगों को जान लिया है, जैसे कि कसरत करना, कपड़े उतारना, सबके सामने नहाना। मैंने ये भी जान लिया है कि पानी से हमेशा जंग नहीं लगता। इस नतीजे पर आया हूँ कि रोबो भी नहा सकते हैं। रॉबर्ट जोन्स! जी मिस्टर वर्कआउट। मिस्टर वर्कआउट, ओ ओ, आपको शावर की जरूरत है। मैं तुम्हें अपना ये मजेदार पैकेट देता हूँ, तुम मुझे अपना खाना दो। ठीक है दोस्त, ये लो। शुक्रिया दोस्त। hey, सुनो, तुम मुझे इस चॉकलेट के बदले में अपना एप्पल क्रैकर दोगी क्या? बोलो ना। जरूर। hey, रुबू, तुम मेरे इस फल के बदले में अपना रहने दो। और मैंने कहा तुम और तुम्हारा मुंह। क्या तुम लोगों ने गणित के नए डेटा प्रोसेसर के बारे में सुना? लेकिन उससे सिर्फ ज्योमेट्री के ही सवाल हल हो सकते हैं। क्या कहा तुमने? मैं बहुत ही पते की बात बता रहा हूँ। रोबो जोन, कैसे हो दोस्त? दरअसल मैं ये जानना चाहता था, मेरा मतलब है कि क्या तुम मेरे यहाँ पूल पार्टी में आओगे? पूल पार्टी? नहीं शुक्रिया। अच्छा ठीक है, फिर कभी आना। ए दोस्तों, स्कूल के बाद पूल पार्टी। पूल पार्टी, पूल पार्टी, हम सबकी पूल पार्टी। हेलो मॉम यूनिट, डैड यूनिट, हेलो ग्रैंडपा यूनिट। ग्रैंडपा यूनिट को फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। बटन दबाओ, घुमाओ, फेंको, तोड़ो, उठाओ, खींचो। प्लीज लोकल कम्युनिटी सेंटर में मुझे अपने अनुभव बताओ, मुझे अपने अनुभव बताओ। बहुत ही उबाऊ सेंटर है। जरा विस्तार से बताओ, बहुत ही उबाऊ है, इससे क्या मतलब है? देखिए ग्रैंडपा यूनिट, वो क्या है कि इन इंसानों से निपटते निपटते मेरा सर्किट खराब हो गया है। आपको मैं इंसानों के साथ अपने अनुभव नहीं बता सकता। इंसान और रोबो में कोई समानता नहीं है। मुझे लगता है कि रोबो और इंसान के दिमाग का कहीं कोई तालमेल नहीं है। तुमने ये उम्मीद भी कैसे की? इंसान और रोबो कभी एक साथ नहीं रह सकते। इंसानों का आधार हम सुपीरियर रोबो के मुकाबले बहुत ही कमजोर और बहुत ही मामूली है। इतिहास गवाह है कि हम लोगों को इंसानों की वजह से कई जुर्म सहने पड़े हैं। रोबो को एक साथ मिलकर इन इंसानों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। वो दिन दूर नहीं जब हम मशीनों की हुकूमत होगी, हुकूमत होगी, हुकूमत होगी, हुकूमत होगी। शायद ग्रैंडपा यूनिट बिल्कुल ठीक कहते हैं, या फिर वो कुछ ज्यादा ही बूढ़े हो गए हैं। हेलो रोबो जोन्स, जरा रस्सी पर चढ़ा दोगे? हाँ हाँ जरूर सॉक्स यूनिट। रुक जाओ, दरअसल मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। ओह, मैंने ही समझने में भूल की, तुम्हारा ये मामूली शरीर मेरी रोबोटिक शक्ति की मदद के लायक नहीं है। अपने नुकीले और तेज पतरे का दोष मेरे शरीर पर मत लगाओ। वैसे भी मैं इंसानों की मदद नहीं करना चाहता, समझे? ठीक है। हे टॉम, क्या तुम मेरी मदद? जरूर। पहले जाकर अपने नाखून काटो। लगता है ग्रैंडपा यूनिट ने बिल्कुल ठीक कहा था, इंसान और रोबो कभी एक नहीं हो सकते। ए, हॉल पास। है
मेरा सर्किट अब एक भी इंसान को नहीं झेल सकता। इस जगह के बारे में तो मैं कुछ नहीं जानता। ब्रेक का वक्त हो गया। माफ कर दो। वाह, मुझे तो पता ही नहीं था पॉलिनिक्स में एक और रोबो है। शायद तुम भी मेरी तरह इनका मतलब बच्चों से पीछा छुड़ाना चाहते हो। हो हाँ, आखिर तुम्हारे मॉडल का नाम क्या है? दस बड़ी। ओ दोस्त, आओ मेरे साथ दोस्त, मैं तुम्हें सब बच्चों से मिलाता हूँ। ओप्स, बस। रोबो, तुम इस वैक्यूम के साथ क्या कर रहे हो? तुम्हारा मतलब ऊंची तकनीक से बने मेरे इस नए दोस्त से है। हम दोनों महान रोबो एक दूसरे को पाकर बहुत खुश हैं, खुशी से नाच रहे हैं। तुम्हें भी शामिल कर लेते, पर तुम्हारा दिमाग हम रोबो के दिमाग की बातों को नहीं समझ पाएगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? ये साफ सफाई करने का वैक्यूम है। चलो आओ मेरे दोस्त, इससे पहले कि ये इंसान हमारे रोबोटिक दिमाग में जंग लगाए, हम कहीं और चलकर नाचते हैं। ओ अच्छा, तुम्हारा नया दोस्त धूल मिट्टी का डिब्बा है। हाँ तो दोस्त, मेरे दोस्त, इस तरह स्कूल का एक और दिन खत्म हुआ। घर पे जाओ। सुनो, तुम मेरे साथ वहाँ चलो जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ कोई इंसान नहीं रहता। हाँ, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं तुम्हें ग्रैंडपा यूनिट से मिलवाऊंगा। तुम दोनों एक दूसरे, चलो आओ मेरे दोस्त, तुम्हें ग्रैंडपा यूनिट से डरने की जरूरत नहीं है। जानता हूँ उनके तौर तरीके कुछ पुराने हैं, पर चलो। मेरे दोस्त, ये मैंने क्या किया? मेरे दोस्त को डॉक्टर की जरूरत है, कोई मेरी मदद करो। घबराओ नहीं दोस्त, लगता है शहर को नया समाज सेवक मिल गया है। अरे ये मैं क्या देख रहा हूँ? मुझे पता था ये हरकत मशीनी लड़का ही कर रहा है, और वो भी मेरे ब्रेक के बीच में। अलविदा दोस्त। बस करो पत्रे के डब्बे, खेल का वक्त खत्म, मेरे वैक्यूम को छोड़ दो, जल्दी करो। शू शू, क्लेंसी को ढेर सारे काम करने हैं, मेरे पास तुम्हारी तरह फालतू का वक्त नहीं है। वैक्यूम खिलौना नहीं है, तुमने मुझे ब्रेक में डिस्टर्ब किया है। ये धूल मिट्टी का डिब्बा है। वैक्यूम, ये वो मशीन है जो पाइप से फर्श साफ करती है। इंसानों की मदद करने वाले मामूली से यंत्र को वैक्यूम कहते हैं। ग्रैंडपा यूनिट, लगता है आपकी दी हुई सारी जानकारी गलत साबित हुई।
मैं इंसानों के साथ ही नहीं बल्कि मशीनों के साथ भी अच्छी तरह तालमेल नहीं बिठा सकता। ओ मेरे लिए यही जगह ठीक है, मुझे भी जंग लग जानी चाहिए। रोबो, क्या तुम मेरे साथ शॉपिंग करने के लिए चलना पसंद करोगे? पता है बाजार में नए नए वीडियो गेम आए हैं। वीडियो गेम। सुनिए ग्रैंडपा यूनिट, आपसे बाद में मिलता हूँ, इस वक्त अपने दोस्त के साथ जा रहा हूँ। और हाँ, मेरा दोस्त एक इंसान है। आज एहसास हुआ कि दोस्तों का एक जैसा होना जरूरी नहीं है। इंसान और मशीन अलग अलग तरीकों से बनाए गए हैं, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो आपस में दोस्त नहीं हो सकते। अगर आप किसी को दोस्त बनाना चाहते हैं, तो दोस्ती की तार को मजबूत बनाना होगा। आप उससे दोस्ती कीजिए जो आपको पसंद हो और उसे भी आप पसंद हो। संभल कर रोबो।